नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार जिस तरह से बह रही है, किसकी ओर बह रही है ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि कशमकश भरा माहौल है। पार्टियां भले ही अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन कर रही हूँ। बहरहाल, आज हम आपको पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दिए हुए कुछ बयानों पर आज चर्चा करते हैं। कमलनाथ ने कहा है कि हम बीजेपी के नेताओं को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, और ये भी कहा कि ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी किसी दल का नहीं है, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य का है, युवाओं के भविष्य का है। कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को धोखे में रखने का काम शिवराज सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अब तक किया है। युवाओं को हमेशा धोखे में रखा गया, नौकरियां नहीं दी गई, और जो नौकरियां दी गई वो भी सिफारिश जो वाले जो लोग थे, सिफारिश दान थे, उनको ज़्यादातर वो नौकरी मिली। खैर, अब कमलनाथ का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाने का काम करना है। कमलनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज का बुंदेलखंड में कोई लाभ ही नहीं मिला, भाजपा ने प्रदेश को चौपट बना दिया। हमें बेरोजगारी दूर करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही बेरोजगार बना देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, ये किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश कहाँ जाएगा। और कमलनाथ ने अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहा है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को सुनिश्चित करेगा, यानी कि, और साथ ही साथ उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तय है जिस प्रकार की हवा चल रही है। कमलनाथ ने साथ ही साथ कहा कि शिवराज जी, आपकी झूठ की मशीन ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। 18 साल से पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आप झूठ की फसल उगाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहा कि आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी।